Hello students, good morning and welcome to Online Diary. Welcome to the session of Current Affairs. Hope you all are doing well. So, आज हम start करते हैं बहुत दिनों बाद Current Affairs वीडियो को. तो start करते हैं अपने पहले question से और हमारा पहला question है यहाँ पर. पहला विश्व चगास रोग दिवस कब मनाया गया है? ठीक है, और इसका सही उत्तर है A option, यानी कि 14 अप्रैल 2020. तो जो पहला ऑप्शन है, दिस इज द करेक्ट वन. ठीक है, सो ये हमारा सही उत्तर है. विश्व में पहली बार 14 अप्रैल 2020 को पहला विश्व चगास रोग दिवस मनाया गया है. इस बीमारी का नाम डॉक्टर कार्लोस जस्टियानो रिबेरो चगास के नाम पर रखा गया है. उन्होंने 14 अप्रैल 1909 को ब्राजील में इस बीमारी के पहले रोगी का उपचार किया था. इस दिन को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य कीड़ों द्वारा होने वाले रोगों के बारे में जागरूकता फैलाना है. ठीक है, तो यहाँ पे खत्म होता है पहला क्वेश्चन. दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इंस्टीट्यूट पहल कोविड ज्ञान वेबसाइट का हिस्सा नहीं है? और इसका सही उत्तर है सी ऑप्शन, यानी कि IIT बॉम्बे. ये इसका सही उत्तर है, IIT बॉम्बे. तो जानते हैं कुछ इस क्वेश्चन के बारे में. IIT बॉम्बे कोविड ज्ञान पहल का हिस्सा नहीं है. कोविड ज्ञान टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च यानी कि TIFR, टाटा मेमोरियल सेंटर यानी कि TMC और भारतीय विज्ञान संस्थान IISc द्वारा शुरू किया गया एक विज्ञान आधारित वेब पोर्टल है. ये एक बहुसंस्थागत बहुभाषी विज्ञान संचार पहल है जिसे COVID-19 महामारी के वैज्ञानिक और तथ्यात्मक पहलुओं को सार्वजनिक डोमेन में लाने के लिए पहल का निर्माण किया गया है. आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर. तीसरा क्वेश्चन है, किस देश ने G20 असाधारण ऊर्जा मंत्रियों की आभासी बैठक की अध्यक्षता की है? और इसका सही उत्तर है बी ऑप्शन, यानी कि सऊदी अरब. तो सऊदी अरब जो बी ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर है. ठीक है, केंद्रीय पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में आयोजित G20 असाधारण ऊर्जा मंत्रियों की आभासी बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया. इसकी अध्यक्षता सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री प्रिंस अब्दुल अजीज ने की. श्री धर्मेंद्र प्रधान ने 10 अप्रैल 2020 को आभासी बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है. ठीक है, तो यहां तक क्लियर है. आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर. फोर्थ क्वेश्चन है, सियाचिन दिवस भारतीय सेना के निम्नलिखित में से किस अभियान को स्मरण करता है? इसका सही उत्तर है डी ऑप्शन, यानी कि ऑपरेशन मेघदूत. तो डी ऑप्शन यहां पे हमारा सही उत्तर है. ठीक है, 13 अप्रैल 2020 को भारतीय सेना ने सियाचिन दिवस मनाया. इस दिन को ऑपरेशन मेघदूत के तहत भारतीय सेना के साहस को याद करने के लिए मनाया जाता है. ये दिन दुश्मन से सफलतापूर्वक मातृभूमि की सेवा करने वाले सियाचिन योद्धाओं का सम्मान करता है. यहां तक क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव है, यूनियन बैंक के चौथे कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और आपका सही उत्तर है बी ऑप्शन, यानी कि विरूपाक्ष मिश्र. ये जो बी ऑप्शन है ये सही उत्तर है. इसके बारे में पढ़ते हैं. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने 13 अप्रैल को विरूपाक्ष मिश्रा को चौथे कार्यकारी के रूप में नियुक्त किया. इससे पहले विरूपाक्ष मिश्रा कॉरपोरेशन बैंक में एक कार्यकारी निदेशक थे. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में पहले से ही 3 कार्यकारी निदेशक दिनेश के गर्ग, GS गुसाई और माननीय बिस्वाल हैं. ठीक है, तो यहां तक क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स है, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सप्तपदी का शुभारंभ किसने किया है? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. डी ऑप्शन है वो सही उत्तर है हमारा. आइए इसके बारे में कुछ जानते हैं.
तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कोविड 19 महामारी से निपटने के लिए सप्तपदी या सात प्रतिज्ञा, सप्तपदी इस प्रकार हैं। पहला, घर के बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें। दूसरा, लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की लक्ष्मण रेखा का पूरी तरह पालन करें। तीसरा, आयुष मंत्रालय के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए प्रतिरक्षा को बढ़ावा दें। चौथा, आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। पांचवा, गरीब परिवार की देखरेख करें। छठा है, नौकरी में वेतन कटौती से बचें और सहकर्मियों के प्रति करुणा दिखाएं। और सातवां है, कोरोना योद्धाओं, डॉक्टर, नर्स, सफाईकर्मी, पुलिसकर्मी, ऐसे सभी लोगों का हम सम्मान करें। ठीक है, तो ये है सेवेंथ नंबर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सेवेंथ क्वेश्चन की ओर। सेवेंथ क्वेश्चन है, पुथंडू किस राज्य में मनाया जाता है? और इसका सही उत्तर है ए ऑप्शन, यानी कि तमिलनाडु। पुथंडू तमिलनाडु में मनाया जाता है और इसे तमिल नव वर्ष भी कहा जाता है। ये दिन तमिल कैलेंडर पर वर्ष का पहला दिन है। पुथंडू तमिलनाडु और पौंडिचेरी के बाहर रहने वाले तमिल हिंदुओं के द्वारा भी मनाया जाता है, जैसे श्रीलंका, मलेशिया, सिंगापुर, रीयूनियन, मॉरिशस और अन्य देशों में भी जहाँ तमिल प्रवासी रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर एट है, किस मंत्रालय ने वेतन संबंधी शिकायतों को दूर करने के लिए 20 नियंत्रण कक्ष स्थापित किए हैं? और इसका सही उत्तर है ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है श्रम और रोजगार मंत्रालय ने। ठीक है, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 20 कंट्रोल रूम स्थापित किए हैं, जो मुख्य श्रम आयुक्त के कार्यालय के तहत काम करते हैं एवं पूरे देश को कवर करते हैं, ताकि कोविड 19 महामारी के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं और चुनौतियों का समाधान किया जा सके। मंत्रालय ने श्रमिकों की मजदूरी और अन्य मुद्दों से जुड़ी शिकायतों को दूर करने के लिए 20 नियंत्रण कक्ष स्थापित किए हैं। यहां तक क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नाइन है, किस राज्य ने फूड बैंक पहल शुरू की है? और इसका सही उत्तर है सी ऑप्शन, यानी कि मणिपुर यहां सही उत्तर है। मणिपुर सरकार ने कोरोना वायरस कोविड 19 महामारी के खतरे को देखते हुए फूड बैंक नामक एक नई पहल आरंभ की है। ये पहल गरीबों और जरूरतमंदों को मुफ्त भोजन जैसी तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है, जिन्हें लंबे समय तक राज्य में लॉकडाउन के कारण जरूरी वस्तुओं की कमी का सामना करना पड़ रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा अभियान इफको की एक पहल है? और इसका सही उत्तर है सी ऑप्शन, यानी कि ब्रेक द कोरोना चेन, ये इसका सही उत्तर है। भारतीय कृषक उर्वरक निगम ने ब्रेक द कोरोना चेन नामक सामाजिक जागरूकता अभियान पूरे देश में ग्राउंड जीरो पर एक अभियान शुरू किया है। इस सामाजिक जागरूकता अभियान के बैनर तले 60 से अधिक शिविरों का आयोजन किया गया है। इस अभियान के तहत सामाजिक भेद जैसे पहलू, सफाईकर्ता, एक स्वस्थ आहार और रोकथाम के माध्यम से मास्क या गमछा द्वारा चेहरे को ढकने पर जोर दिया जा रहा है। तो यहाँ पे खत्म होता है आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। अगले दिन फिर मिलेंगे 10 नए क्वेश्चन के साथ। तब तक स्टे होम एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।